अभी मैं इनको मंडी में लेके आ रहा हूँ बेचने के लिए। Hey guys, what's up? Welcome back to your... बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज जो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, इसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरे घर में चीकू का दरख्त लगा हुआ है और उसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत चीकू के फल लगे हुए हैं। और क्योंकि हम लोग घर गए हुए थे, गाँव गए हुए थे, तो जिसकी वजह से हमारे पौधे जो हैं इनके ऊपर काफ़ी मिट्टी और डस्ट वगैरह आ गई। तो आज मैं इन पौधों को धो रही हूँ, चीकू के पौधों को धो रही हूँ, और इसमें मैं आप लोगों के साथ वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कैसे जो है चीकू के फल जो है इनको तोड़ के, तो इनको किस तरह से बग़ैर केमिकल के इनको कैसे सेव करती हूँ, और ये 3-4 दिन के अंदर पक जाते हैं और फिर हमारा जो है सेहतमंद से मज़ेदार और ख़ूबसूरत चीकू जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। क्योंकि जब हम पौधों को धोते हैं तो ऐसे ये लहराते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे पौधे भी पानी में खुश हो रहे हैं नहा के, और सरसब्ज भी ज़्यादा लगते हैं खूबसूरत, ऊपर से धूल मिट्टी सारी ख़त्म हो जाती है। और ये जो मैंने घर में फूल लगाए हुए हैं, ये भी थोड़े से मुरझा रहे थे क्योंकि काफ़ी दिनों से इनको पानी नहीं दिया था। ये आगे एलोवेरा भी है, एलोवेरा जो है ये बहुत से काम इससे हम ले सकते हैं, ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है, बालों में भी लगा सकते हैं। और तो ये चीकू का पौधा है, हमने बहुत सालों पहले लगाए थे जब हम कराची में आए थे, शुरू में हमने आपको इसकी वीडियो भी बना के दिखाई थी। बाकी चीकू के वो पौधे पड़े हैं, जब हम गांव जाएंगे सर्वदा हम फ्यूचर में फट्टू रे अंग्रेजी फ्यूचर में आपको उसकी वीडियो भी शेयर करेंगे जब उन पर दरख्त पौधे लग जाएंगे, पौधे नहीं फल लगेंगे। अभी आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास बेहतरीन फल लग चुके हैं, हमारे पास बेचना नहीं है लेकिन हमें खुद ही खाना है। तो अभी हम इनकी तोड़ते हैं, इतने बड़े बड़े हमारे पास चीकू लगे हैं, बड़े बड़े चीकू, अभी हम ये तोड़ेंगे फिर आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। इतने जूसी जूसी, मैं दो तोड़ा था, मेरे सारे हाथ में इनका सफ़ेद सफ़ेद चीज़ लग गया, सारे चिपचिपे हो गया हाथ में। अभी देखते हैं टोकरी टोकरी हमारी भर सकती है नहीं भर सकती, बस तोड़ते हैं और क्या। इससे जो ये चीज़ निकल रही है ना, ये चीकू आप देख सकते हैं कितना प्यारा है, लेकिन ये टूट गया मेरे से, इसको साइड में रखते हैं। ये वाला चीकू आप देखें, ये मेरा टूट गया, कैमरा मैं जल्दी फोकस करूँ। ये आप देखें कितना मोटा हुआ खड़ा है, बिल्कुल छोटा सा चीकू है, इसको नहीं तोड़ना, लेकिन आप चीकू देखें कितना मोटा, शायद ये पक्का हुआ होगा, इसको हम बाद में चावलों में डाल के रखेंगे कि पक जाएगा, जिसमें भी डाल के रखें मुझे नहीं पता। बाकी आप साइडों से देख लें, ये भी तोड़ दिया हमने, ये देखिए माशा। बाकी दो चीकू पहले मैंने तोड़ के रख दिए थे, एक चीकू ये तोड़ा था। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, हमारा ना मंडे को फिजिक्स का पेपर है, तो मेरी एक चीज़ आती है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये देखें भाई सेंट्रीपिटल फोर्स इसमें लग रही है। गाइस अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी, फरहान ने वीडियो तो बना ली, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसको हम लोग दवाई के बगैर कैसे पकाते हैं। जब फरहान ने तोड़े हैं तो हमने सबको अच्छी तरह से इनको धो लेना है, धोने के बाद इनको मैं किस तरह से पकाने के लिए रखती हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि जो फ्रूट घर का होता है वो ज़्यादा सेहतमंद भी होता है और दवाई भी नहीं उसके साथ लगी हुई होती, तो जिसकी वजह से ये ज़्यादा अच्छा और हेल्दी होता है। देखिए गाइस कैसे कितने बड़े बड़े चीकू जो हैं वो हैं, अभी ऊपर काफ़ी खड़े थे हमारे दरख्त के ऊपर, तो हमने कहा कि इतने काफ़ी हैं, तो वो फिर दोबारा फिर और जो हैं वो दोबारा तोड़ेंगे जब, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इनको चीकुओं को मैंने अच्छी तरह से धो लिया और इनकी डंडियाँ जो साथ लगी हुई थी वो भी तोड़ ली हैं। ये साथ इनका इस तरह दूध निकल रहा होता है लेकिन ये बाद में भी निकलता रहता है। अभी इनको मैं दवाई के बगैर किस तरह इनको पकाती हूँ इसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारे मज़ेदार से अच्छे से चीकू जो हैं वो किस तरह किसी भी दवाई किसी भी केमिकल के बगैर मैं कैसे करती हूँ, आइए देखते हैं। सारे चीकुओं को
एक कपड़ा बिछा के, मोटी सी चादर वो बिछा के ऊपर ऐसे फैला दूंगी कि ताकि ये जो है चीकू ये सूख जाए ऊपर इसी कपड़े में, और फिर इनको मैं उसके लिए रख सकूं पकने के लिए। अब ये हमारे चीकू जो हैं ये पड़े रहेंगे तकरीबन एक घंटा जो है, इनको मैं रख दूंगी ताकि इनका जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। ये जो बाकी बची हुई थी डंडियाँ वो भी मैंने उतार ली हैं, ये बाद में तोड़े थे तो उस वजह से फिर इनकी डंडियाँ बच गई थी। तो अब मैं फिर आप लोगों को बताऊंगी एक घंटे के बाद कि किस तरह इनको दवाई के बग़ैर हम लोगों ने महफूज करना है ताकि ये पक जाए। तो गाइज़ ये चीकू जो है ये इनको एक घंटा हो चुका है धोए हुए, तो अब इनके ऊपर से पानी सारा खुश्क हो चुका है। तो अब इनको मैं क्या करूँगी कि इनको मैं इसी बेड शीट, क्योंकि इसके ऊपर से जो पानी था वो भी सारा अच्छे से खुश्क हो चुका है, तो ये देखिए कितने मज़ेदार मोटे मोटे बड़े बड़े चीकू हैं। इनका ये होता है कि दवाई के बग़ैर जो हम इनको पकाते हैं तो उसमें ये ज़्यादा मज़ेदार भी होते हैं और इनका टेस्ट भी बाज़ार वाले जो चीकू हैं ना उनसे अलग होता है, तो मिठास में भी ज़्यादा होते हैं और सेहत में भी अच्छे होते हैं क्योंकि इन पे कोई केमिकल नहीं होता, कोई दवाई नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले हमने इनको चादर के ऊपर बिछा लिया अच्छे से धो के खुश्क करके, तो अब मैं इनको ये ऐसे एक तह ऐसे दे दूंगी कपड़े की, फिर ये ऐसे इसी तरह ऐसे करके, तो फिर इसी कपड़े के अंदर ये जो हमारी मोटी सी चादर है इसी के अंदर मैं इसको ऐसे लपेट के, ये ऐसे लपेट के, तो इसको टाइटली आप लोगों ने रखना है ताकि आपके जो चीकू हैं वो बिखर ना जाएं ऐसे करके। उसके बाद ये ऊपर ऐसे हमारी एक तह ऐसे आ जाएगी। अब इसको मैं रख दूंगी तकरीबन 4 से 5 दिन के लिए। तो जब हमारे चीकू हो जाएंगे तो वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि ये कितने मज़ेदार और किस तरह के बने हैं। तो अब इनको मैं रखूंगी और 6 दिन के बाद इनको निकालूंगी। ये जो हम लोगों ने चीकू दबा के रखे थे इनको रखे हुए 5 दिन हो चुके हैं, तो अब हम इनका देखते हैं। इनमें हमने कोई दवाई नहीं लगाई थी, कोई कुछ नहीं लगाया था, लेकिन ये इतने अच्छे पक के इतने सॉफ्ट हो चुके हैं और बग़ैर केमिकल के। ये देखें ये बिल्कुल भी सारे हो चुके हैं ये। तो इस तरीके से आप भी रखें अपने चीकुओं को और मज़ेदार हेल्दी से चीकू खाएं और केमिकल से पाक। इसी तरह की बहुत ही खूबसूरत वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज़।